यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। यूपी में 80 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी महज 33 सीट ही जीत पाई। इससे भी बड़ा झटका बीजेपी को अयोध्या से लगा। बीजेपी राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बना रही थी, लेकिन उसी राम की धरती से बीजेपी सीट हार गई। बीजेपी के फैजाबाद सीट हारने की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सवाल यह है कि बीजेपी अयोध्या क्यों हारी, अयोध्या हारने की असली वजह क्या है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। लोकसभा चुनाव में वैसे तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का टारगेट रखा था, लेकिन चुनाव की जो नतीजे आए, बीजेपी 2019 के मुकाबले आधी सीट भी नहीं जीत पाई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पिछले 10 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, 2024 में बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि 2019 में बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने 71 सीटों पर कमल खिलाया था। यानी पिछले दो बार के मुकाबले इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करीब करीब दोगुनी या उससे ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा अयोध्या यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट का रहा। बीजेपी पूरे चुनाव प्रचार में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर गई, लेकिन अयोध्या की सीट ही हार गई। अब सवाल है कि बीजेपी अयोध्या क्यों हार गई। अयोध्या में बीजेपी की ऐसी हार पर सब हैरान हैं, क्योंकि अयोध्या से कैसे बीजेपी हार सकती है, जब वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ, जब वहां पर इतना ज्यादा विकास हुआ। इसके बाद भी अयोध्या में बीजेपी की हार हुई तो यह सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ। कहा जा रहा है कि वहां के उम्मीदवार लल्लू सिंह से लोग नाराज चल रहे थे, इसीलिए बीजेपी अयोध्या से हार गई। अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। अयोध्या हारने के पीछे कारण यह भी है कि अखिलेश यादव ने अयोध्या से ऐसी उम्मीदवार उतारा, जिसका नतीजा यह रहा कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम, दलित और यादव वोट मिला। बीजेपी की हार का अगला कारण यह भी है कि बीजेपी ने लोकल मुद्दों पर फोकस कम किया और बीजेपी सिर्फ राम मंदिर को ही तवज्जो देती रही। दरअसल बीजेपी के अंदर टूट भी बड़ी वजह है। उम्मीदवार लल्लू सिंह के चयन से बीजेपी के लोग नाराज चल रहे थे। दूसरी तरफ बीएसपी उम्मीदवार सच्चिदानंद ने भी वोट काटे। बीजेपी की हार का एक और कारण लल्लू सिंह का विवादित बयान है, जहां वो 400 सीटें पार करने पर संविधान बदलने की बात कह रहे थे। साथ ही जमीन अधिग्रहण से लोगों में गुस्सा रहा। बीजेपी ने अयोध्या में विकास कार्य के लिए कई तोड़फोड़ की और इससे घर भी टूटे। अयोध्या हारने के बाद इंडी गठबंधन बीजेपी पर हमलावर है। इसी के बहाने इंडी अलायंस अब योगी आदित्यनाथ को लेकर नया नैरेटिव फैलाना शुरू कर चुका है। इंडी गठबंधन कह रहा है कि योगी को हटाने की पूरी तैयारी है। बाबा के प्रति हमारे मन में हमेशा प्यार रहा है, वो रहेगा। फडणवीस के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ लोग योगी जी को हटाना चाहते हैं। अच्छा। कि देखिए महाराष्ट्र में सीट कम हो गई, देवेंद्र ने इस्तीफा दिया तो आपको देना पड़ेगा। ये एक प्लॉटिंग चल रही है। ये तो राम को लाने वाले नहीं है, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। ये पोल पट्टी सब खुल गई, देश जान गया, ये राम को लाए हैं। ये तो खुद राम बन रहे थे। क्या क्या प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे, हम अवतार लिए हैं, हम अवतारी हैं, ये स्वयं राम बन रहे थे। ये तो ढोंगी लोग हैं। प्रधानमंत्री जी 3 बार आए, प्रधानमंत्री खुद यहाँ से लड़ना चाहते थे, रोड शो भी किया, लेकिन तमाम रिपोर्ट जो इनको जाती है खुफिया, ये रिपोर्ट में गई कि विपक्ष का उम्मीदवार जो है जमीनी है, ईमानदार है, लोकप्रिय है, ये सीट सिक्योर नहीं है, इसलिए पैर इन्होंने पिछाड़ लिया। वहीं
दूसरी तरफ बीजेपी अयोध्या में हुई हार पर मंथन की बात कह रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और दिनेश सिंह जैसे कार्यकर्ता के लिए गंभीर चिंतन का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जहां हम भगवान श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्माण कराते हैं और बड़े बड़े एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बड़े विकास का निर्माण कराते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में मैं पहली बार कह चुका हूं भ्रम पैदा किया है, उस भ्रम को हम लोग यथाशीघ्र दूर करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण बनाने में कामयाब होंगे और फिर से जितना भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है उसकी हम लोग भरपाई करने में सफल होंगे। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद अब बीजेपी का आगे का प्लान क्या है? क्या बीजेपी इस चुनाव में हुई गलतियों पर मंथन कर उससे सबक लेगी? सवाल ये भी उठ रहा है कि अयोध्या जीतने के बाद राहुल और अखिलेश आखिर कब रामलला के दर्शन करने जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।